नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। लटेरी में भारतीय जनता पार्टी मंडल आयोजित की गई थी। इस बैठक में मुख्य अतिथि भाजपा के वरिष्ठ नेता रमेश यादव उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए रमेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश की योजना के अनुसार 13 अगस्त से 15 अगस्त तक विधानसभा स्तर पर तिरंगा यात्राओं का आयोजन करेगी। इन कार्यक्रमों में प्रत्येक कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रत्येक घर में भाजपा की योजना अनुसार तिरंगा झंडा फहराना है। रमेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों, सिरोंज लटेरी के विकास पर भी प्रकाश डाला और इसका श्रेय विधायक श्री उमाकांत शर्मा को दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह बघेल ने तिरंगा यात्रा को सफल बनाने का आह्वान किया और प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने स्तर पर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। कार्यक्रम को भाजपा मंडल महामंत्री रामगुलाम राजौरिया ने संबोधित करते हुए अखंड भारत स्मृति दिवस और भारत विभाजन की विभीषिका पर प्रकाश डाला और कहा कि भारत विभाजन का जो दुख हम सबको है उसको स्मरण करने का दिन है, साथ ही अपने देश को विभाजनकारी शक्तियों से बचाने का समय भी है। कार्यक्रम को भाजपा जिला मंत्री भारत सिंह राजपूत ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर मंडल स्तरीय कार्यक्रम का संचालन भाजपा मंडल महामंत्री महेंद्र सिंह राजपूत और आभार भाजपा मंडल अध्यक्ष राजकंवर बघेल ने व्यक्त किया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के वीर सिंह बघेल, सतीश जैन, सुरेश जैन, आशीष जैन, युवा मोर्चा अध्यक्ष अमित कुशवाहा मौजूद थे। उस टाइम पे 2003 में दिग्विजय सिंह की सरकार गई थी, तब तक भी अगर जिनमें वो युवा हो गए उनको सब कहते हैं ना सावन का चरा हरा ही हरा, तो उनको थोड़ी मालूम है कि दिग्विजय सिंह वो काम में सियासी थी, तो इनमें सब बातों में हम सबसे ज्यादा पीछे रहते हैं। उन्होंने हितग्राहियों तक अपनी बात को जिम्मेदारी के साथ पहुंचा दिया। एक जगह भारतीय जनता पार्टी के 10-15 प्रधानमंत्री आवास बने जी नाम लटेरी से खबर समय जगत के लिए नीरज सैन की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।